बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मिसलेनियस का है, ये भी इंडक्शन से प्रूफ होगा। चलो मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। फिर वही पीएन स्टेटमेंट लिखो। पीएन स्टेटमेंट क्या है? ए टू द पावर एन, क्या हमारे पास 1 + 2n n - 4n 1 - 2n, ये हमारा पीएन स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेप वन में क्या करेंगे? स्टेप वन में हम लेंगे पी ऑफ वन। पी ऑफ वन क्या होगा? ए टू द पावर वन। ए टू द पावर वन क्या होगा? इसमें जहां जहां तुम्हें एन दिख रहा है वहां वहां वन रिप्लेस कर दो। तो 1 × 2 + 1 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1, ऐसे हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, ये हो गया -4, ये हो गया 1, ये हो गया -1, विच इज ट्रू। देख लो ये दे रखा नहीं है मैट्रिक्स, ये ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप जो है हमारा पी ऑफ के, ये अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के ऑल्सो, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैं पी के लिख रहा हूं। तो पी के कैसे लिखते हैं? ए एन में जहां जहां एन दिख रहा है ना वहां वहां के रिप्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा पी ऑफ के? पी ऑफ के हमारा क्या हो जाएगा, या फिर तुम इसको सॉरी ऐसे लिखो, पी के किसके बराबर हो जाएगा? ए टू द पावर के, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 k - 4 k एंड के एंड 1 - 2 k, ये हमने क्या लिख दिया पी ऑफ के। देखो ये पी ऑफ के, ये कैंसिल कर रख, कैंसिल मतलब कट कर रखा है, ये पी के हो गया। अब ये पी के कैसे लिखा? ये जो हमारा पी एन लिखा हुआ है ना, इसमें एन की जगह के रिप्लेस कर दिया, तो पी के आ गया। इसे हमने फिर फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ये हमारा इंडक्शन अजम्पशन हो गया। यहां तक आ रही है बात समझ में? उसके बाद हमने क्या किया कि स्टेप थ्री में आ गए। स्टेप थ्री कैसे लिखते हैं? फिर वही पी के प्लस वन। तो पी के प्लस वन, पी के प्लस वन क्या होगा हमारा? ए पे पावर के प्लस वन, और जहां जहां पी के में के दिख रहा है तुम्हें उसको तुम किससे रिप्लेस कर दो? के प्लस वन से, -4 k + 1, और ये हो गया के प्लस वन, और ये हो गया 1 - 2 k + 1। ये हमें प्रूफ करना है, ये जो दिख रहा है ना ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। किससे प्रूफ करना है, किसको यूज करेंगे? सेकंड स्टेप को यूज करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा? ए के प्लस वन। इसको हमने क्या लिखा? ए के इंटू ए। ए टू द पावर के का वैल्यू कहां से रख दिया? यहां से 1 + 2 k - 4 k k 1 - 2 k, यहां से ए के का वैल्यू रख दिया। ए का वैल्यू कहां से रख दिया? यहां से 3 - 4 1 - 1, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, रो कॉलम वाइज कर लिया, पहला रो पहला कॉलम, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 3 + 6 k, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे -4 k। फिर पहला रो उठाया, दूसरा कॉलम, तो क्या होगा ये -4 - 8 k, और ये -4 k, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आता होगा आप लोगों को। ये क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3 k + 1 - 2 k, ये क्या हो गया -4 k - 1 + 2 k, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या होगा 3 + 6 k - 4 k 2 k, और ये क्या होगा -4 - 4 k, और ये क्या होगा 3 k - 2 k k + 1, और ये क्या होगा -4 k + 2 k, तो ये क्या हो जाएगा -2 k - 1, कुछ नहीं है। अब तुम इसमें क्या करो, इसको तुम देखो, इस 3 + 2 k को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 2 times k + 1। देख लो ये वाली चीज और ये चीज एक ही चीज लिखी हुई है। इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा 1 + 2 k + 2, तो हो जाएगा 3 + 2 k। अब यहां से मैंने क्या किया कि -4 कॉमन ले लिया, तो -4 कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया k + 1, ठीक है। यहां तक भी बात आ गई समझ में, ये तो k + 1 खुद ही लिखा है। अब यहां से मैंने क्या किया कि इसको मैंने माइनस कॉमन लिया, -2 k + 1, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 k + 1, ये हो गया -4 k, और इसको किया तो -1 + 2 k, ठीक है। तो -2 k - 1,
तो वन माइनस ठीक है, वन माइनस टू के माइनस वन, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको तुम देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो वन माइनस टू टाइम्स के प्लस वन, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके, ये क्या होगा, वन माइनस टू के, तो माइनस टू के आ गया। अब यहां देखो माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन आ गया। अब तुम बोलोगे कि आपने इसको और इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मैं इसको देख के लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको देख के लिख रहा हूं, ये जो है ना पीके प्लस वन, इसको देख के लिख रहा हूं, यहां देख के लिख रहा हूं। मुझे पता है कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना, जो फोर एलिमेंट्स हैं, ये 100% इसके फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैंने 3 प्लस 2 के को डायरेक्ट ये लिख दिया, बिना कुछ सोचे बिना कुछ दिमाग लगाए, बिकॉज मुझे पता है कि 3 प्लस 2 के 110% इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख लिया, देख लो इसको तुम ओपन करो, ये इसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहां से मैंने माइनस फोर कॉमन लिया, तो माइनस फोर के प्लस वन आ गया, वो ये भी आ गया, के प्लस वन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब रही बात माइनस टू के माइनस वन, इसको मैंने डायरेक्ट बिना कुछ दिमाग लगाए इसको लिख दिया ऐसे, क्यों लिख दिया इसको देख के, क्योंकि हाँ नहीं, अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ गया हमारे पास। तो देख लो ये क्या, हमारे पास ए के प्लस वन को हमने ये प्रूफ कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना इसका, ये राइट हैंड साइड आ गया। फिर वही बात, हेंस बाई पी एम आई, हेंस बाई पी एम आई, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ लेना, मैं ये सॉल्यूशन तुम्हें भेज दूंगा।